आज हम आपको बिहार के रामशिला पहाड़ी जगह के बारे में बताने वाले हैं, जो ऐतिहासिक व सांस्कृतिक रूप से काफी महत्व रखती है। अगर आप ऐसी चिलचिलाती गर्मी में कोई पहाड़ी जगह देख रहे हैं, तो चलिए आज हम आपको इस अनोखे स्टेशन के बारे में बताने वाले हैं। प्राचीन काल से कई पत्थर की मूर्तियां आज भी पहाड़ी पर मौजूद हैं और उसके आसपास की भी इन मूर्तियों को देखा जा सकता है। पहाड़ी की चोटी पर स्थित मंदिर, जिसे रामेश्वर या पातालेश्वर मंदिर कहा जाता है, मूल रूप से 1014 ईस्वी में बनाया गया था, लेकिन बाद में इस मंदिर का कई बार रेनोवेशन किया गया। मंदिर के सामने 1811 ही में कलकत्ता के श्री कृष्ण बसु द्वारा बनवाया गया एक मंडप है, जहां हिंदू भक्तों द्वारा अपने पूर्वजों के लिए पितृपक्ष के दौरान पिंड चढ़ाए जाते हैं। पहाड़ी पर आपको एक मंदिर भी दिखाई देगा, जहां राम, सीता और हनुमान की प्रतिमा स्थापित है। अगर आप कभी बिहार के गया शहर गए होंगे, तो जानते होंगे इस जगह के आसपास कई पहाड़ियां मौजूद हैं। इन पहाड़ी जगहों का अपना एक अलग इतिहास है। इन्हीं पहाड़ियों में आती है रामशिला पहाड़ी, जो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है। रामशिला पहाड़ी विष्णुपद मदनीर से 8 किलोमीटर उत्तर में फल्गु नदी के किनारे मौजूद है। ऐसा माना जाता है कि इसका नाम भगवान श्री राम से जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि वन प्रवास के दौरान भगवान राम ने रामकुंड सरोवर में स्नान करने के बाद इसी जगह पर पिता दशरथ जी का पिंड दान किया था। गया शहर चारों ओर पहाड़ से घिरा है। उसी पहाड़ के बीच में गया शहर के उत्तर में एक पहाड़ है, रामशिला। ये पहाड़ धार्मिक रूप से काफी पुराना है। श्री राम के आने के पूर्व इस पहाड़ का नाम प्रेतशिला था, जो बाद में रामशिला पहाड़ के नाम से जाना जाने लगा है। विष्णुपद मंदिर से लगभग 8 किलोमीटर उत्तर फल्गु नदी के किनारे रामशिला पहाड़ी है। पहाड़ी के नीचे रामकुंड नामक सरोवर है। सरोवर के दक्षिण एक शिव मंदिर है। रामशिला में 20 सीढ़ी ऊपर एक श्री राम मंदिर है। इसके मध्य में चरण चिन्ह बना है। मंदिर के दक्षिण एक बरामदे में 2-3 गया मूर्तियां धाम के है। रामशिला पर्वत के ठीक नीचे अवस्थित इस मंदिर में करीब 1 फीट ऊंचाई और इतना ही वृत्ताकार शिवलिंग स्थापित है, जो काफी दुर्लभ है। स्फटिक शिवलिंग के अंदर नाग की आकृति अभी तक रहस्य और विस्मयकारी बनी हुई है। रामशिला पहाड़ी के तलहटी में बने मंदिर में भगवान श्री गणेश जी के मूंगा की 5 फीट ऊंचा भव्य प्रतिमा है। ये बहुत ही दुर्लभ मूर्ति है और भारत वर्ष में बहुत ही कम देखने को मिलता है और बहुत ही कीमती है। स्फटिक या क्वार्ट्ज एक खनिज है। ये रेत एवं ग्रेनाइट का मुख्य घटक है। पृथ्वी के महाद्वीपीय भूपट्टी क्रस्ट पर क्वार्ट्ज दूसरा सर्वाधिक पाया जाने वाला खनिज है। स्फटिक भी एक तरह का न है, जो शुक्र ग्रह के लिए है। शुक्र कामदेव माने जाते हैं, जिनकी पूजा अर्चना करने से मन व शरीर दोनों की कामना पूरी होती है। कोई मनुष्य यदि स्फटिक के शिवलिंग की पूजा, जलाभिषेक तथा आराधना समर्पित भाव से करे तो शुक्र ग्रह का संताप मिट जाता है। सावन में शिव की विशेष पूजा अर्चना का महत्व है। इसको लेकर इस मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ होती है।
स्फटिक या क्वार्ट्ज क्वार्ट्ज एक खनिज है। ये रेत एवं ग्रेनाइट का मुख्य घटक है। पृथ्वी के महाद्वीपीय भूपट्टी क्रस्ट पर क्वार्ट्ज दूसरा सर्वाधिक पाया जाने वाला खनिज है, पहला फेल्सपार है। अपने पिता दशरथ जी की मृत्यु के बाद भगवान राम ने फल्गु तट पर पिंड दान किए थे और उसके बाद यहां आकर रामशिला मंदिर व पहाड़ के ठीक सामने सड़क के पार रामकुंड में भगवान राम ने स्नान कर रामशिला वेदी पर पिता राजा दशरथ को पिंड दिया था। यहां पिंड दान करने से पितृ सीधे स्वर्गलोक जाते हैं। रामकुंड में पिंड दान करने से पितरों को मोक्ष मिलता है।
भगवान राम रामशिला पहाड़ के शिखर पर ऋणमोचन पापमोचन शिवलिंग की स्थापना की। इसे भी काफी सशक्त शैव केंद्र के रूप में माना जाता है। भगवान राम ने लक्ष्मण और सीता के साथ गया धाम के उत्तरी सिरे पर अवस्थित पर्वत के शिखर पर विश्राम किया था। शिखर पर उन्होंने रामेश्वर पातालेश्वर महादेव शिवलिंग की स्थापना और पूजन किया। तभी इस पर्वत का नामकरण रामशिला कर दिया गया। रामशिला पहाड़ के ऊपर उसके आसपास बहुत पुराने कई मूर्ति स्थापित है और उसमें कुछ नए भी है। पहाड़ के शिखर पर मंदिर को रामेश्वर या पाताल गंगा शिव मंदिर कहते हैं। ये सन 1041 में मुख्यतः बना है। उसके बाद आने वाले समय में उस मंदिर में पुनरुद्धार और मरम्मत कई बार हुआ है। रामशिला हिल पर स्थित मंदिर में जाने के लिए चढ़ने वाला सीढ़ी और पहाड़ पर स्थापित मुख्य मंदिर के ठीक सामने बैठने वाला स्थान को कलकत्ता के निवासी श्री कृष्णा बासु ने सन 1811 में बनाया था, जहां पर आज के समय में भी बैठकर पिंडदानी लोग अपने पूर्वज के पिंडदान करते हैं। रामशिला पहाड़ पर पातालेश्वर महादेव मंदिर से गया शहर का सुंदर एवं मनोरम दृश्य दिखाई पड़ता है। रामशिला पहाड़ के तलहट्टी में स्थापित मंदिर, जहां देश का तीसरा स्फटिक शिवलिंग विराजमान है। पहला स्फटिक शिवलिंग रामेश्वरम में, दूसरा जम्मू के रघुनाथ मंदिर और तीसरा रामशिला पहाड़ की तलहट्टी में स्थित मंदिर में है। इस स्फटिक शिवलिंग की खास बात यह है कि इसके पास आरती दिखाने पर माता पार्वती व भगवान शिव के दिव्य नेत्रों का भक्त दर्शन करते हैं, साथ ही वासुकीनाथ भी अपने अलौकिक रूप में नजर आते हैं। यहां पूजा अर्चना करने से काल सर्प और असामयिक मृत्यु का भय दूर हो जाता है। इस शिव मंदिर का निर्माण टिकारी महाराज गोपाल शरण सिंह के पिता बाबू अंबिका शरण सिंह ने टिकारी राज के कोर्ट ऑफ वार्ड्स के समय गया शहर के पसी में प्रवास के दौरान सन 1886 छोटी वी में इसका निर्माण कराया था। रामशिला एक प्रसिद्ध धर्म तीर्थ है, जहां से संपूर्ण गया क्षेत्र का दृश्य बड़ा ही मनोरम दिखता है। रामशिला पहाड़ की ऊंचाई 715 फीट है। टिकारी राजा द्वारा पुनरुद्धार और मरम्मत करवाई गई सीढ़ियों से युक्त इस पर्वत पर पातालेश्वर शिव और राम लक्ष्मण मंदिर दर्शनीय है। गया पटना सड़क के सटे इस मंदिर में जाने के लिए गया जंक्शन से आने वाले श्रद्धालु इस स्थल पर ऑटो के जरिए टावर चौक, किरानी घाट, पंचायती अखाड़ा होते हुए रामशिला पर्वत के पास पहुँच सकते हैं। इसके अलावा स्टेशन से बागेश्वरी मंदिर, छोटकी नवादा होते हुए भी इस स्थल पर पहुंचा जा सकता है। रामशिला स्थित शिव मंदिर में स्थापित स्फटिक शिवलिंग शीतलता का प्रतीक है। इस शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से मन को चंद्रमा के समान शीतलता मिलती है। इसके अलावा बाबा भोलनाथ भक्तों के हर प्रकार के कष्ट को दूर कर देते हैं। श्रावण के महीने में हर शिवालय में भक्तों की भीड़ होती है, लेकिन गया के उत्तरी क्षेत्र के रामशिला पहाड़ की तलहटी में स्थापित स्फटिक के शिवलिंग की पूजा अर्चना का खास महत्व है। यहां पूरे साल भक्तों की
तरह के घंटा बहुत है।